पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की थाना कटघर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो गलियों में घूमकर घरेलू महिलाओं को झांसा देकर उनके गहनों पर हाथ साफ कर देते थे और नकली जेवरात थमा कर रफू चक्कर हो जाते थे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों से ऐसे गैंग की सूचनाएं आ रही थीं। इस गैंग के लोग घरों की महिलाओं को शिकार बनाते थे जो इनसे अपने सोने चांदी के जेवरात साफ करा लेते थे। ऐसी ही एक घटना थाना मझोला क्षेत्र के बुद्धि विहार में विगत नवम्बर में हुई थी, जहां पर ऐसे ही एक गैंग ने परिवार की महिला को झांसा देकर 3 लाख से अधिक के जेवरात चुरा लिए थे, जिस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। उसी समय से जनपद मुरादाबाद की पुलिस ऐसे गैंग की तलाश में जुटी थी। थाना कटघर पुलिस ने देर रात करूला क्षेत्र से ऐसे ही गैंग के 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है, तो पूछताछ में इस गैंग ने कई घटनाओं का खुलासा कर दिया। एसपी सिटी अंकित मित्तल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों आरोपियों को मैं बरामद माल के जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मझोला क्षेत्र के रहने वाली एक महिला की तहरीर के आधार पर जनपद हापुड़ निवासी उमा शंकर किशन और उमा शंकर की पत्नी लक्ष्मी को गिरफ्तार कर इनके पास से बड़ी मात्रा में नकली गहनों की खेप सहित 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद की है। थाना कटघर क्षेत्र में 22 नवंबर को एक गंभीर घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति जो कि 3 लाख रुपए लेकर जा रहा था, उसके साथ इन 3 अभियुक्तों द्वारा ठगी गई थी। उसे कुछ जेवरात दिखाकर ये कहकर कि ये जेवरात जो है वो बहुत महंगे हैं, परंतु अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण ये लोग उसे मात्र 3 लाख रुपए में सारे दे देंगे। ये झांसा देकर उसे चेकिंग के लिए कुछ सही सोने के आभूषण उसे दे दिए गए, जो उसके द्वारा चेक कराए गए तो वो सही पाया गया। लालच में आकर उसके द्वारा अपने 3 लाख रुपए ले लिए गए और उसके बदले में उसे कुछ आभूषण मिले। जब उसने वापस जाकर देखा तो वो सभी आभूषण नकली थे। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और तब से जो है इन अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। आज इन 3 अभियुक्तों को जो कि तीनों एक ही फैमिली के मेम्बर्स हैं, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 1.5 लाख रुपये और अभी जो भी स्टैंप भी आपके सामने हमने पेश की, जो कि नकली पीली धातु की ज्वेलरी है, उसको हमने इनके कब्जे से बरामद कर लिया। सर, 3 में से एक महिला भी है। देखिए, ये तीनों जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, तो महिला को अपने साथ रखते थे अपने गैंग में, ताकि किसी को शक ना हो और सामने वाला जो व्यक्ति है वो जल्दी आसानी से झांसे मारे। आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए, अभी तक आपराधिक इतिहास तलाश करवा रहे हैं, अभी तक कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया, बट इनके द्वारा कई और घटनाएं कार्य करना कबूल किया। इनके पास से क्या क्या बना है? इनके पास से 1.5 लाख रुपए और ये सारी ज्वेलरी जो अभी आपके सामने हमने पेश की, जिसमें कि पाजेब हैं और तरह तरह की ज्वेलरी हैं, वो सब बरामद।